हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम अपने अध्याय दो चर के रैखिक समीकरण के बारे में बात कर रहे थे। बच्चों, हमने उस वीडियो में लास्ट किए थे अपने अध्याय दो को। अध्याय दो चूंकि हमारा था दो चर का रैखिक समीकरण। बच्चों, हमने अध्याय दो में हर चीज को बहुत बारीकी से समझा, बहुत सारे एग्जाम्पल को लिया है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को किया है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अपने अध्याय तीन एक नया अध्याय को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अगला जो हमारा अध्याय है, अगला जो हमारा चैप्टर है, वो है अध्याय नंबर तीन, एक चर का द्विघात समीकरण, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक चर का द्विघात समीकरण के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलने वाले हैं, और हम कल के क्लास में ये देखेंगे कि उन टॉपिक को हम एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम केवल ये जानेंगे कि एक चर के द्विघात समीकरण के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, उस टॉपिक को हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किन किन टॉपिकों को हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। देखिए तो बच्चों, यहां पर दिया गया है रूपरेखा आउटलाइन, मतलब कि हमें इस अध्याय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों एक चर का द्विघात समीकरण का परिचय, जिसमें हम यह जानेंगे कि एक चर का द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्या होते हैं एक चर का द्विघात समीकरण, इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेलिंग से बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अब यह खत्म हो जाने के बाद हम इसके अगले पढ़ेंगे, उसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, वो है वर्ग या फिर द्विघात। बच्चों, यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखना है, वर्ग समीकरण और द्विघात समीकरण दोनों एक ही है, आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। वर्ग समीकरण को ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो वर्ग यानी कि द्विघात समीकरण की पहचान करना भी हम यहां पर सीखने वाले हैं। यहां पर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यहीं से पूछा जाता है कि वर्ग द्विघात समीकरण की पहचान कीजिए, मतलब कि आपको यहां पर एक समीकरण दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि एक वर्ग समीकरण है कि नहीं है। तो उसको हम कैसे देखते ही जान जाएंगे कि ये वर्ग समीकरण है कि नहीं, इसके बारे में भी मैं पूरा आपको एकदम डिटेलिंग से बताने वाला हूं। ठीक है बच्चों, फिर तीसरा हम पढ़ने वाले हैं, तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं वो ऐसा एक टॉपिक है जिससे संबंधित हम पूरे इधर के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल, इसी को बच्चों एक और नाम से जानेंगे, द्विघात समीकरण के हल। कई बार क्या होता है, प्रश्न आपको घुमाकर पूछ लिया जाता है, आप पढ़ के गए हैं द्विघात समीकरण के मूल और पूछ लिया द्विघात समीकरण के हल बताइए। तो बच्चों, ये दोनों एक ही मतलब होता है। अगर आपसे पूछा जाए द्विघात समीकरण के मूल निकालिए या फिर आपसे पूछा जाए द्विघात समीकरण के हल बताइए, दोनों का आंसर सेम आने वाला, सेम बनते हैं, मूल और हल दोनों समान होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। तो द्विघात समीकरण के मूल जानने के बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण के मूल जांचने के तरीके, कि हम किस प्रकार से मूल उसके जांच सकते हैं, कैसे कैसे तरीके होते हैं, इस तरीके के बारे में बात करेंगे। फिर अगला हम पढ़ेंगे बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा द्विघात समीकरण के हल करने के तरीके। अब देखिए बच्चों, द्विघात समीकरण हमें दिए जाएंगे, अब उस द्विघात समीकरण के हमें मूल ज्ञात करने, मतलब कि उसका हल प्राप्त करना है। तो हल हम कितने प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, तो यहां पर मैं तीन तरीकों के बारे में बात करूंगा। सबसे मैं पहले बात करूंगा जो कि आप अध्याय एक में भी पढ़े, जहां पर हम बहुपदों के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर इन तीनों टॉपिक को आप पढ़े हुए हैं। अगेन यहां पर आप थर्ड नंबर के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला जो हमारा होगा वो है उभयनिष्ठ निकालकर, मतलब कि कॉमन निकालकर द्विघात समीकरण को हल करना। हम यहां पर यह सीखेंगे कि कैसे हम कॉमन निकालकर द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब कि हम उसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला हम पढ़ेंगे, दूसरा नंबर जो हम पढ़ेंगे वो होगा सर्वसमिका का उपयोग कर द्विघात समीकरण को हल करना। तो बच्चों, सर्वसमिका के बारे में आप कक्षा सातवीं आठवीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो सर्वसमिका के उपयोग से भी हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। ठीक है, फिर तीसरा हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको मैं अध्याय एक में भी इसको सिखाया हुआ, वो क्या बच्चों, गुणनखंडन करके, मतलब कि फैक्टराइजेशन करके द्विघात समीकरण
को हल करना। तो ये तीन मेथड के बारे में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हो जाएगा द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। अब यहां पर देखिए बच्चों, इसके अनुप्रयोग को समझते हैं। देखिए, हमें एक द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग पढ़ना है। अब इसमें क्या होगा, हमें कथन के रूप में कोई सवाल दिया जाएगा, मतलब कि हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे एक द्विघात समीकरण में बदलकर उसका हल प्राप्त करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे जो हमारे डे टू डे लाइफ में जुड़ा होगा वो हो जाएगा द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग। जब मैं आपको द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही मजा आने वाला, क्यों, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन से ही संबंधित होने वाला है, ठीक है बच्चों। फिर अगला हम पढ़ेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो बच्चों देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने के तीन तरीके हैं। पहला हम करेंगे फैक्टराइजेशन। जब फैक्टराइजेशन फेल हो जाता है ना, तब हम समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर उसका हल प्राप्त करते हैं। तो यहां पर सेकेंड कंडीशन की बात करूंगा, वो है द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वर्ग समीकरण को हल करने का सूत्र। तो वर्ग समीकरण को हल करने के सूत्र के बारे में आप बहुत भली भांति परिचित हैं। वो क्या होता है बच्चों, x equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। इस सूत्र की उत्पत्ति के बारे में भी जानने वाले हैं बच्चों। यहां पर मैं आपको एक बार बता दूं कि इस सूत्र की उत्पत्ति भी सीखने वाले हैं कि यह सूत्र कहां से आया, कैसे आया। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान देना है कि सूत्र की उत्पत्ति आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। जो पूछे जाते हैं वो क्या है, आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि सूत्र विधि से इसको हल करना है, लेकिन ये नहीं पूछेगा कभी भी कि इस सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। आपको प्रश्न दिए जाएंगे, वर्ग समीकरण दिए जाएंगे और उस वर्ग समीकरण को हम एक सूत्र विधि की सहायता से हल करेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अगला जो पढ़ेंगे बच्चों हमारा वो है वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। अब मूलों की प्रकृति के बारे में भी हम जानने वाले हैं। मूलों की प्रकृति के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, विभेदक के बारे में। जब बच्चों अब विभेदक समझ जाएंगे तभी वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में बता पाएंगे। यहां पर बच्चों मैं आपको तीन कंडीशन के बारे में रूबरू कराऊंगा, तीन कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से तीन कंडीशन होने वाले हैं ये आपको मैं जब इस टॉपिक पर पहुंच जाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है बच्चों। फिर अगला जो हम पढ़ेंगे वो है द्विघात समीकरण के अचर गुणांक। द्विघात समीकरण के अचर गुणांक का मान ज्ञात करना, इसको हम अध्याय एक में भी सीखे हुए हैं। अगर हम यहां पर द्विघात समीकरण में अचर गुणांक का मान ज्ञात करना सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। फिर देखिए, अगला जो हम पढ़ेंगे वो हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण के मूल एवं गुणांकों में संबंध। अब मूल और उनके गुणांकों में संबंध को भी हम यहां पर जानने वाले हैं। अब बच्चों ये पूछेंगे कि मूल क्या होते हैं, तो बच्चों मैं आपको मूल पिछली बातों में बता चुका हूं क्या होता है। मूल मूल मतलब कि दिए गए वर्ग समीकरण के हल ही होते हैं। यहां पर बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है कि वर्ग समीकरण को जब हम हल करते हैं ना, जब भी हम वर्ग समीकरण को हल करते हैं तो हमें दो उत्तर मिलते हैं, मतलब कि दो मूल प्राप्त होते हैं। ये अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि वर्ग समीकरण के कितने मूल हो सकते हैं, तो अधिकतम इसके दो मूल हो सकते हैं। दो ही मूल होंगे ना, दो से ज्यादा हो नहीं सकता, ना दो से कम नहीं हो सकता, तो दो ही मूल होते हैं वर्ग समीकरण के, ठीक है। याद तक क्लियर हुआ। फिर देखिए बच्चों, अगला हमारा जो होगा, हमारा जो आखिरी जो टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक होगा, वो क्या है, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। अब बच्चों यहां पर हमें मूल दिए जाएंगे, मतलब कि दो मूल दिए जाएंगे और उस दो मूल की सहायता से हम एक वर्ग समीकरण का निर्माण करना भी बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस अध्याय के अंतर्गत। और यहां पर बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, ये टॉपिक ही नहीं, इस टॉपिक में बहुत सारे हम एग्जांपल को देखने वाले हैं, साथ ही साथ जो अधिकतर पूछे जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। हम इसमें बहुत सारे प्रश्नों को बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो बच्चों आज की इस क्लास में हमने यह जाना है कि अध्याय 3 एक चर के द्विघात समीकरण के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने को हमें मिलने वाले हैं। बच्चों कल की क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया उन टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, जो आपकी फेयर कॉपी है उस पर आप हेडिंग डालेंगे अध्याय 3 को, अध्याय 3 हमारा क्या बच्चों, एक चर का द्विघात समीकरण। कल से हम अपने अध्याय 3 को जनवरी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों मिलेंगे कल की क्लास में अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।